हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताती हूँ एक और नई जानकारी के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि यदि आपको गर्मियों में पसीना आता है तो आप इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्या करें। फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में पसीना आना एक सामान्य सी बात होती है, लेकिन जब इससे दुर्गंध आती है तब आपको काफ़ी असहज महसूस होता है और इससे आपको काफ़ी परेशानी भी होती है। तो मैं इस वीडियो में आपको 6 उपाय बता रही हूँ, आप इन 6 में से किसी एक को अपनाइए तो ये आपको गर्मियों में आने वाली पसीने की दुर्गंध से छुटकारा दिलाएंगे और आपको राहत मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आप बाल्टी या फिर टब में पानी भरकर इसमें नीम की पत्तियों को रात भर के लिए डले रहने दें और सुबह इस पानी से नहाइए तो पसीने की जो बदबू है वह खत्म होती है। इसके साथ ही ये इन्फेक्शन को भी आपसे दूर रखता है। दूसरा तरीका आपको क्या करना है कि आप हमेशा गर्मियों के मौसम में कोशिश करें कि गर्मियों में कॉटन लिनन के कपड़े पहने, ये पसीना को सूख लेते हैं और आपको पसीने से आने वाली दुर्गंध से भी बचाते हैं। इसके बाद जो आपको तीसरा उपाय करना है वह ये करना है कि नहाने के पानी में फिटकरी और पुदीने की पत्तियों को डालकर नहाने से भी शरीर में ठंडक और ताजगी बनी रहती है, पसीने की समस्या से भी आपको काफ़ी हद तक निजात मिलती है। इसके बाद जो आपको तरीका अपनाना है वह यह करना है जो कि आपके बालों के लिए है। बालों में भी अक्सर पसीने की वजह से बदबू आने लगती है, इसे रोकने के लिए आप 1 कप पानी में कुछ बूंदें गुलाब जल और नींबू के रस की मिलाकर बालों को धोइए तो इससे जो पसीने से आने वाली दुर्गंध होती है वह दूर हो जाती है। अब आपको तरीका अपनाना है जो कि पांचवा तरीका है, आपको इस तरह से अपनाना है कि 2 चम्मच गुलाब जल और 2 बूंद टी ट्री ऑयल की आपको लेनी है। इस मिश्रण को रुई की मदद से अंडर आर्म्स में लगाने से पसीने की जो समस्या होती है उससे आपको छुटकारा मिलता है। और जो आपको छठवां तरीका अपनाना है वह यह अपनाना है कि नहाने के पानी में फिटकरी और पुदीने की पत्तियों को डालकर नहाने से भी शरीर को ठंडक और ताजगी मिलती है, साथ ही यह आपके शरीर की दुर्गंध से भी आपको राहत दिलाता है। तो दोस्तों, ये हैं 6 तरीके जो कि गर्मियों के मौसम में शरीर से आने वाली दुर्गंध को दूर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके।